हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शिव साठ क्लासेज में। मैं मुकेश पांडे, आज आपको इंग्लिश पिटमैन बुक एक्सरसाइज 5 कराने चल रहे हैं। जैसा कि इसके पहले हमने आपको स्ट्रोक बताए, जॉइंट स्ट्रोक बताएं, उसके बाद बॉबल बताएं, अब हम आपको एक्सरसाइज कराने चल रहे हैं। एक्सरसाइज 5 और 6 दोनों साथ में आज कराएंगे। आपके पास अगर अपनी बुक है, एक्सरसाइज 5 और 6 आप निकाल लीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला पा, क्या है पा? अब इस पे साउंड कौन सा आया आपका, ये हमने आपको बताया था। जब सिंपल आ, ये डार्क बिंदी वाला है, आ वाला साउंड आ, जैसे पाम चाम, ऐसे सिंपल आ बोला जाए तो ये है पा। पा पे आ की मात्रा है तो पा और आ, ऐसे पा। अगला है आपका पाम, ये पा और ये आ। अब इस पे डार्क पॉइंट, वही पाम यानी आ वाला, जब साउंड आपका आए आ आ पाम बाम, ऐसे ये पाम। पाम की स्पेलिंग आप देखिए, पाम तो आपने पढ़ लिया लेकिन स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, इसीलिए हमने पहले आपको बताया है हिंदी मीडियम वाले हिंदी सीखें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश सीखें। तो ये अच्छे से, जैसे पाम बोल तो दिया पाम, लेकिन अब इसकी स्पेलिंग तो आपको आनी चाहिए। तो इसकी स्पेलिंग पाम, PALM, पाम पढ़ा है, PALM पाम। ये पढ़ा है बाम, तो बाम ये बा यानी PALM बाम, स्पेलिंग आपको ध्यान रहे पाम। अगला है क्या, हाँ ये फार्म, फार्म। अब स्पेलिंग आपको मालूम होना चाहिए, फा रा और मा, फार्म। अगला है आपका सा, ये सा पे आ, देखिए डार्क बिंदी वाला है सा। अब ये ऐसे एच है, ऐसे एच लिखा सा और आ, सा ऐसे ना करे, ये सा। ये हमें वही पढ़ना है जो हमें एक वर्ड पढ़ना चाहिए। सा पे आ तो लग गया, सा हम पढ़ सकते हैं लेकिन हमें स्पेलिंग मालूम सा, तो सा और आ, इसीलिए हमने एच आपको आ वाला साउंड पहले लिख दिया है। जब भी डार्क बिंदी फर्स्ट प्लेस पाए तो आपको ये वाला साउंड आता आ, इसलिए कहीं पे हिंदी लिखा है कहीं पे इंग्लिश लिखा, देखिए यहाँ पे इंग्लिश बता दिया, इसलिए आपको कोई डाउट है, जब आ वाला साउंड आए तो आ और हा, आ वाला, तो ये समझ लो फर्स्ट प्लेस पर डार्क बिंदी का है। अगला है ये, हाँ ये है, अब इस पे देखिए साउंड लिख दिया पे। अब पे आपको स्पेलिंग मालूम होनी चाहिए, पी ए वाई पे, तो पी ए वाई, देखो पा सेकंड बन गया, तो पा पे डार्क बिंदी है, डार्क बिंदी वाला पे, जब भी हम डार्क बोलते हैं। अगला है आपका पेड, ये पा पी ए आई डी पेड, ये क्या है बेल, बी देखो बा सेकंड में बे डार्क बिंदी बेल, तो स्पेलिंग आपको मालूम बी ए बी ए आई एल बेल। अगला है पेल, अच्छा पी है, ये पी है, लाइट बिंदी था पेल, तो पेल बना लेना। पेल की स्पेलिंग होती है, अच्छा मैं बी दिखा, सॉरी हमने ध्यान दिया, ये वाला हमने लिख दिया, ये बेल था ये पेल था, तो इसको आपको पेल यानी पी, चलो पी ए एल ई पेल, ये है आपका बेल, बी ए आई एल बेल। अगला है आपका बेक, अब बेक स्पेलिंग हमें में बेक, बी ए के ए, अब बैक नहीं बेक, बैक होगा तो फर्स्ट प्लेस पर, बेल अब ए भी हो सकता बेल और ए भी बेल हो सकता है, बी ए आई एल बेल, अब बी ए आई एल तो बेल लिख दिया, बी ए एल ई बेल, ए भी हो सकता है, दोनों। जब हम साउंड बोलेंगे डार्क पॉइंट यानी डार्क जब दबा के बोलेंगे तो ए, जब दबाया पे बे, ये फिर आया है ये बड़ी आया ये बी, अब बी हम बी बोलते बी डबल ई बी, तो बी ए डबल ई वाला बी,
अगला क्या है आपका टी, आप देखिए टी, टी ई ए टी हो सकता है, टी डबल ई टी भी हो सकता है, तो हमें जैसे अभी हमने लिखा टी, टी में समय मालूम है इसलिए हमने ये लिखा टी, टी ई ए टी। अगला है जी, अब जी, अब जे आई जी ये भी होता है, जी हमने बोला तो जी लिख दिया, तो जी जे जे डबल ई भी कर सकते हैं, जी डबल ई भी कर सकते हैं, जो आपका मर्जी हो वो, तो इसको हमने लिखा जी, जी डबल ई। अब देखो जी लिख दिया, जी मतलब जा से साउंड आया है, इसको जब साउंड पढ़ेंगे, साउंड पर जी पढ़ा है तो जा लिखेंगे वो गी हो जाएगा, वो जी जो साउंड जी सिखाया है डार्क वाला वो गा होता है, तो ये जी है तो जी लिखा। ये क्या है फी, अब फी तो एफ फी डबल ई फी फी। अगला है पा, हम देखिए आ वाला, ये जब भी डार्क डैश आए तो एड पा, बाट राट रॉक, तो ये पा पी ए डब्लू, इसको ए डब्लू से ऐसे भी आता है लिख दे रहे पा, तो पी ए डब्लू पा। ये क्या है पॉल, पी ए डब्लू एल पी ए डब्लू एल, स्पेलिंग हमें मालूम होना चाहिए, पी ए पी ए डब्लू तो पहले लिख लेंगे, अब एल पॉल। ये है डॉल, डी ए डब्लू एल डॉल, अब डी और डॉल ये भी होता है डी ओ एल डॉल गुड़िया, डी ओ डबल एल डॉल वो भी लिख सकते हैं, तो आप में देख डी ओ डबल एल डॉल। अगला क्या है टाल, ने डाल टाल एक छूट गया है पाल, ये टाल था, चलो ठीक है, ये डी हमें डार्क दिख गया, डार्क बना था हमारी बुक से, हमसे डार्क बना है तो डाल, अगर ये लाइट होता टाल हो जा, चूंकि डार्क दिख रहा डाल दिया, वो बनाते समय थोड़ा सा चाक घिस गई इसलिए डाल, इसीलिए हमने कहा लाइट डार्क, विशेष ध्यान रखना है। ये है चाक, सी एच ए एल के चाक, जिससे लिख रहे चाक। ये है थर्ड, टी एच ओ डब्लू ई डी थर्ड। अगला है डा, अब देखो ये डो, डा पे ओ है डो, तो डो अब डू नहीं पर डो, तो डी ओ डब्लू डो, हमने सीधा पढ़ा डो, डा पे ओ की मात्रा है डो। ये क्या है डोर, अब देखिए होता है डोर पढ़ते हम लोग, लेकिन हमने डोर पढ़ा है स्पेलिंग से हमें कोई मतलब नहीं, अब नहीं हम इसको डोर पढ़ेंगे, डोर पढ़ते हैं इसलिए डोर लिखा, स्पेलिंग कुछ भी हो डोर, नहीं समझ में आए तो डी ओ आर डोर लिख देना सीधे, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा वही लिखेंगे डोर। अगला क्या है डोम, ये डी ओ एम, अगर स्पेलिंग में डोम नहीं तो डी ओ एम बस डोम। अगला क्या है शोर, ये एस एच, ये शोर एस एच लिखा है, ओ लिखा है आर में ई हो या ना स्पेलिंग अगर मालूम नहीं, शोर अभी स्पेलिंग कोई मतलब नहीं, हमने शोर सापे ओ की मात्रा सो और रा शोर। अगला क्या है बोर, बापे ई है बो, बापे ओ है बोर, बी ओ आर ई बोर। अगला क्या है देखिए सी एच आ थर्ड प्लेस पर है चू, अब चू सी एच ओ भी हो सकता है, अब इसको चू पढ़ें, अब चू स्पेलिंग सी एच डबल ओ भी पढ़ सकते हैं चू, आप कोई जरूरी नहीं किताब में जो भी हमने चू पढ़ा, चू स्पेलिंग है सी एच ई डब्ल्यू चू। अगला है सू, अब सू आपने सूज पढ़ा सू, स्पेलिंग ये होती सू, लेकिन हमें स्पेलिंग कोई मतलब नहीं, हमने सू पढ़ा तो सा थर्ड प्लेस पर था, थर्ड प्लेस पर और बड़ा उ की बॉबल था, बड़ा उ मतलब सू, तो सू लिख दिया, आप सू की स्पेलिंग मालूम है तो लिख दिया, नहीं तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको सब जब सेंटेंस लिखेंगे तो सब स्पेलिंग सारे सेंटेंस ग्रामर आपको सुधरते जाएंगे, अभी बस आपने सू पढ़ा तो सू लिख दिया। ये लू, अब एल पढ़ा है लू पढ़ा, एल डबल ओ लू या एल ई डब्ल्यू लू ए भी होता है। अगला रू, आ थर्ड प्लेस पर रू, अब स्पेलिंग मालूम है ठीक नहीं, हमने रू लिख दिया ऐसे
अच्छा ऐसे रू, इसकी मीनिंग मालूम है आपको। अब है वु, वु यानी वह थर्ड प्लेस पर है तो वह हो गया इस पे, सॉरी चलो हिंदी लिख दिया वु, लेकिन हम हिंदी नहीं लिखना था, हमें डब्लू लिखना था, डब्लू ओ ई वु। तो इस तरह से आपकी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अच्छे से आपको इस तरह से पढ़ना है, हमने जो पढ़ा वही सीधे लिखा, तो साउंड कोई जरूरी नहीं कि इनकी स्पेलिंग जो इनकी आई है वही आपकी आए। ठीक, अभी सेंटेंस, अभी इसको हम कहें चाक, आपको हो गए चाक, ये भी उसका स्पेलिंग कोई, अब चाक में मालूम जो चीज़ हमें मालूम था वो तो हमने लिख दिया। अभी सिंपल वर्ड आएगा तो आगे चल के हम ही से पूछ लेंगे आप ये क्या लिखा है, तो कोई जरूरी नहीं ये पैक लिखा है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, अभी आगे चल के हम लाइट डार्क ख़त्म करेंगे, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, बस हमें जो पढ़ना है आगे जब सेंटेंस में लिखाएंगे हम वही पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना चाहिए। जब चार वर्ड लिखेंगे अगला क्या आना चाहिए आपको समझ में आएगा। अभी आपको बस साउंड देखना, अब लू लिखना है, अब इसकी स्पेलिंग लू हमने सिंपल लिख दिया, इसकी स्पेलिंग आप ऐसे कर सकते थे एल यू आई, एल आई ई यू भी होता है, एल आई, देखो एल आई ई यू लू, ये भी स्पेलिंग एक आती है, लेकिन कोई जो ही नहीं हमने लू लिख दिया, सीधा जो पढ़ा वही हमने सीधा सा लिख दिया। तो फिर अब 6 एक्सरसाइज के लिए तैयार रहिए। सिक्स एक्सरसाइज, अब इस पे ए वाला साउंड हल्का बिंद दिया है, साउंड हमने लिख दिया। अब पा पे ए दिख रहा है, पैक बैक मैन, कल बताया था ये पैक, अब पैक की स्पेलिंग आती ठीक नहीं तो कोई हो नहीं, हमने पैक पढ़ा पैक लिख दिया। अब वो बी है डार्क है, तो बैक, बैक की स्पेलिंग आपको मालूम है बी ए सी के बैक, ये क्या है टैप, टैप टी ए पी टैप लिख दो, टी ए पी ई टैप। अगला क्या है कैप, कैप सी ए पी कैप। अगला क्या है कैप के बाद, हाँ कैच, कैच सी ए टी सी एच कैच, कैच पकड़ना। अगला ए वाला आ गया बबल, अब इसको पढ़ा हमने क्या डेक, डापे डा दिख रहा का दिख रहा सीधा सा डापे एक बार डेक, अब डेक की स्पेलिंग ठीक है लिखेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डेक पढ़ा तो डेक लिखेंगे, स्पेलिंग हम बाद में समझ में आए तो, लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा हमने पहले बताया अगर आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी की लगभग स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, स्पेलिंग ही मेन है, ग्रामर तो आगे हम बता देंगे, ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, लेकिन स्पेलिंग अब हमने डेक लिख दिया, अब डेक की स्पेलिंग आपको मालूम होना चाहिए। अब टैप ऐसे लिख दिया नहीं, टैप की स्पेलिंग टी ए पी भी होता है, टैप ए भी होता है। अगला क्या है डेक हो गया, हाँ ये डेल, अब डेल आपका कंप्यूटर आता है डेल वाला लैपटॉप, डेल डी ई डबल एल डेल। ये डेट क्या है, डेट तो डेट डी ए टी ई डेट, चाहे डेट लिख देंगे डेट। अगला क्या है चेक, अपडेट लिखा उसे डेट, अगर वो डेट पढ़ा तो डेट लिख दिया डेट हमने पढ़ा है, ये है चेक, चेक का सी एच ई सी के चेक, जब हल्का पढ़ेंगे हल्का भी चेक डेट, वैसे वो लिखा है डेट, कायदे से डेट लिख दिया है उसको हमने डेट पढ़ा। ये है रेड, तो आर ई डी रेड, रेड नहीं रेड, जब जल्दी पढ़ते हैं तो हल्का पॉइंट लगाते हैं हल्का वॉवेल रेड, रेड होता तो डार्क पॉइंट, ये हम बता चुके हैं जब वॉवेल बताया अच्छे से। अब ये इल, अब आई डबल एल इल, ये है बा और इल,
तो बा और इल यानी बिल, बी आई डबल लिखा, सी चिल, ये चा और ला चिल, सी एच आई डबल एल चिल, वो है किल, का थर्ड प्लेस पर का पे ई किल, ये के आई डबल एल किल, थर्ड वाला वॉवेल अगले के पहले, का पे ना लगा के एल के पहले, ये बता चुके हैं आपको किल। अगला क्या है मिल, ये मिल एम आई डबल एल मिल। अगला क्या है आपका, अब आ वाला है, ये आ वाला है बॉट पार, जैसे इधर वाला बताया था पा पाम बाल डाल, ये बताया ऐसे ये है, ये डाक डी ओ सी की डाक, डी ओ सी के डाक, बस हमें साउंड से मतलब है, साउंड में हमारा ये वाला आया है इसे डाक आ वाला। अगला क्या है, हाँ ये सा पे आया है सेकंड प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस साड, अब साड की स्पेलिंग ये एस एच है, अगर स्पेलिंग मालूम भी नहीं दे डब्लू एस एस साड, ये स्पेलिंग लिख सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं, हमें स्पेलिंग सी एच एस एस सा है ऑड। अब ये क्या है रॉड, अब रॉड हम लोग रॉड ए भी बोलते हैं, रोड रे रॉड, रॉड जो रॉड। अगला क्या है रॉक, ये रा आर ओ सी के रॉक, रॉकी नहीं पढ़ा रॉक। अगला क्या है मॉक, मॉक मॉक पे एम ओ सी के मॉक, अब बस इतना ध्यान रखना मॉक डार्क वाला आया, ए डब्ल्यू वाला साउंड आया है मॉक, ये वाला साउंड आया, हमने साउंड लिख दिया आ वाला, जो चांद वाला चांद बिंदी वाला जो चांद वाला। अगला क्या है हाँ ये टास है, अब इस पे यू वाला आया है, स्पेलिंग हमने कहा था सन रन टच मच, जब सीधा उनके बीच में कोई वॉवेल ना आए, साउंड हिंदी वाला साउंड जैसे टच ऐसे सन ऐसे, इसका मतलब इनके बीच में कौन सा लगा है यू वाला लगा, स्पेलिंग कोई मतलब नहीं। अब जैसे ये है ये टच टच, अब टच की स्पेलिंग हमें मालूम होना चाहिए, नहीं तो कोई टी यू सी एच टच है ना, नहीं तो इसे हमें मालूम होना चाहिए टच की स्पेलिंग। अब ये जैसे है ये डच, ये डम, ये रन, अब रन अब स्पेलिंग मालूम है आर यू एन रन। अब ये क्या है पहला टच टी यानी टी ओ यू सी एच टच, अब ये डा दिख रहा डच लिख दो यही डी ओ यू सी एच डच, ये क्या है डम डम, अब डी ओ एम ई डी यू भी हो सकता है, हमने डम पढ़ा डम डम। अगला क्या है रंग, हाँ ये एन जी है डार्क है, तो रंग आर यू एन जी रंग, वो क्या है अगला रंग है, अगला है लंग एल यू एन जी लंग, स्पेलिंग से हमें कोई मतलब नहीं, बस हमने पढ़ा जब इनके ये ला और एन जी लंग, अब स्पेलिंग आपको मालूम है ठीक, नहीं तो कोई मतलब नहीं हमें, बस लंग हमें साउंड से मतलब है, तो आप जब डिस्क्राइब करेंगे तब, अभी तो हमने बोला लंग आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन जब आप डिस्क्राइब करेंगे उसको टाइपिंग करेंगे तब आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे फुटकर शब्द हैं अलग अलग, इसमें स्पेलिंग थोड़ा दिक्कत आएगी, अभी को रंग है ये अच्छे रंग है, अब आर ए एन जी है ओ यू है, तो हमें वही पढ़ना पड़ेगा जब सेंटेंस लिखाएंगे, जो हमें पढ़ना जो सेंटेंस पे बैठ जाए वही एक ही वर्ड के कई कई शब्द के मतलब एक ही शब्द के कई मीनिंग होते कई अर्थ होते हैं, तो आपको समझ में आएगा। अब ये है टुक, छोटा हुआ वाला टुक, अब टुक की स्पेलिंग मालूम है ठीक है, नहीं तो कोई है टी डबल ओ के टुक। अब ये क्या है सुक, अब सुक है तो एस एच दिख रहा है सच, अब डबल ओ के सुक सुक लिखो या सुक एस यू के भी लिख सकते हैं सुक, हमने सुक पढ़ा, वो है बुक, अब बुक की स्पेलिंग मालूम है बी, अब देखो बुक भी होता है, अब जैसे पूल लिखना पी डबल ओ, इसीलिए स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं,
यहाँ पे छोटा बुक छोटा ओ की मात्रा पढ़ते हैं, पूल पी डबल ओ पूल हो जाता है और बड़े ओ की मात्रा हो जाती है। इसीलिए शुरू से बताया स्पेलिंग का कोई मतलब नहीं, हमें साउंड से ही मतलब है। साउंड पे ध्यान, ये है लुक, इसकी भी स्पेलिंग भी देखिए एल डबल ओ के लुक। ये क्या है बुस, अब बी यू एस एच बुस ऐसे पढ़ दे या बस, आप कहोगे बस तो सेकेंड हो जाएगा बुस, तो बुस यानी ओ। हमें सिर्फ स्पेलिंग से मतलब नहीं, सिर्फ हमें अपने साउंड से मतलब है। ये इतनों दिनों से बताते आ रहे हैं कोई स्पेलिंग से मतलब नहीं है कि आप अगर आपको इसको टफ पढ़ दो, लेकिन मैंने टच पढ़ा है तो टच पढ़ दिया टी यू, हाँ टी ओ यू सी एच था, स्पेलिंग गलत हो गई, टी ओ यू सी एच टच डच। जो पढ़ेंगे वही लिखेंगे। अभी जब आपको अंग्रेजी से इसको बताएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, सेवन एक्सरसाइज जब कराएंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, लेकिन इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर ये नहीं समझ में आए तो इसके पहले का जो वॉवेल वाले हमने वीडियो डाले हैं उस वीडियो का आप एक दो बार देखेंगे तो 100% सब समझ में आएगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, एक्सरसाइज 7 लेकर के आएंगे। थैंक यू।